नारायण 25 वर्षों तक एक प्रतिष्ठित ओल्ड बॉयज कॉलेज गुरुकुल के सख्त प्रिंसिपल रहे हैं। नारायण सम्मान परंपरा और अनुशासन पर जोर देकर अपने छात्रों से सर्वश्रेष्ठ लाने में विश्वास करते हैं। वह मनोरंजन से घृणा करता है और विशेष रूप से रोमांस के प्रति असहिष्णु है, और किसी भी छात्र को रोमांटिक संबंध बनाते हुए पकड़े जाने पर उसे निष्कासित करने की धमकी देता है। इन नियमों के बावजूद गुरुकुल के 3 छात्र समीर, विक्की और करण प्यार में पड़ जाते हैं। समीर को अपनी बचपन की दोस्त संजना से प्यार हो जाता है। विक्की ईशिका की ओर आकर्षित है, पड़ोसी ऑल गर्ल्स कॉलेज में एक छात्रा, और करण एक युवा विधवा किरण पर मोहित हो जाता है, जिसे करण एक रात रेलवे स्टेशन पर अकेले देखता है। नारायण ने राज आर्यन को गुरुकुल के नए संगीत शिक्षक के रूप में नियुक्त किया। राज प्रेम की शक्ति में विश्वास करता है और पूरे गुरुकुल में प्रेम फैलाने का निर्णय लेता है। वह समीर, विक्की और करण की कठिनाइयों के प्रति सहानुभूति रखता है और उन्हें अपने प्यार के प्रति वफादार रहने और बने रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। राज तीनों लड़कों को उनके प्रियजनों तक पहुंचने में मदद करने का प्रबंधन करता है। समीर को गुरुकुल के बाहर बाजार में एक कैफे में अंशकालिक नौकरी दिलाना ताकि वह वहां रहने वाली संजना के करीब आ सके, विक्की को ईशिका के साथ नृत्य सत्र में भाग लेने की अनुमति दे सके। ओनल गर्ल्स कॉलेज। एक दिन अपनी योजना के तहत राज एक पार्टी रखता है जिसमें वह सभी लड़कियों के कॉलेज की छात्राओं को आमंत्रित करता है। नारायण को पार्टी का पता चलता है और वह राज को बर्खास्त करने की धमकी देता है। इस बिंदु पर राज ने खुलासा किया कि वह एक दशक पहले गुरुकुल में छात्र था और उसे नारायण की इकलौती बेटी मेघा से प्यार हो गया था। नारायण ने राज को कॉलेज से निकाल दिया था और परेशान मेघा ने आत्महत्या कर ली थी। रोमांस पर कॉलेज की शून्य सहिष्णुता नीति को उलटकर मेघा की स्मृति का सम्मान करने के लिए राज गुरुकुल लौट आया। वह वादा करता है कि वह स्कूल को प्यार से भर देगा और नारायण इसे रोकने में असमर्थ होगा। नारायण हैरान है, वह इसे एक चुनौती के रूप में लेता है और राज को वहीं रहने देता है। समीर, विक्की और करण क्रमशः संजना, ईशिका और किरण पर जीत हासिल करने में सक्षम हैं, लेकिन नारायण ने कॉलेज के नियमों को कड़ा करके जवाबी कार्रवाई की क्योंकि उसने विक्की को देर रात आते हुए पकड़ लिया था, लेकिन राज ने उसे बचा लिया। हालांकि राज द्वारा प्रोत्साहित छात्र संगठन नियमों की अवहेलना करता रहता है और 25 वर्षों से बनाए गए स्कूल के माहौल को संरक्षित करने के अंतिम प्रयास में नारायण 3 छात्रों को निष्कासित कर देता है। राज उनकी ओर से बोलते हुए कहते हैं कि उन्होंने प्यार में पड़कर कुछ भी गलत नहीं किया और नारायण पर प्यार के प्रति असहिष्णुता के कारण अपनी ही बेटी की मौत का आरोप लगाया। राज का कहना है कि उन्हें लगता है कि नारायण चुनौती हार गए क्योंकि उनकी बेटी ने उन्हें छोड़ दिया और अब राज, जो नारायण को बड़ा मानते थे, भी उन्हें छोड़ रहे हैं। राज के शब्दों से नारायण को ठेस पहुंची, जिसे एहसास हुआ कि उसकी सख्त नो रोमांस नीति गुमराह करने वाली है। नारायण ने छात्र संगठन से माफी मांगी, गुरुकुल के प्रिंसिपल पद से इस्तीफा दे दिया और राज को अपना उत्तराधिकारी नामित किया। राज नारायण को स्वीकार करता है और उसके साथ मेल मिलाप करता है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और नए वीडियो और जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।